हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th भूगोल से चैप्टर नंबर जो 1 है, संसाधन एवं विकास, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, काली मिट्टी वाले 3 राज्यों और उनमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल के नाम बताइए। तो उत्तर है, काली मिट्टी वाले 3 राज्य जो हैं वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। और इन राज्यों में सोयाबीन, गेहूं और अन्य फसलों के साथ साथ कपास भी उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि कपास जो होता है वो काली मिट्टी में बहुतायत रूप से उगाया जाता है, और इसी वजह से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये जो 3 राज्य हैं ये आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, और जो इनमें उगाई जाने वाली फसल्स हैं ये भी आपसे 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएँ बताइए। तो उत्तर है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाती है, और इस जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलोवियल सॉइल भी कहा जाता है, और कहीं पर इसे कछार मिट्टी बोला जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है, इस मिट्टी की प्रकृति अत्यंत उपजाऊ होती है, इसमें फसल बहुत अच्छे तरीके से बोई जाती है और इसमें बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है, जलोढ़ मिट्टी का प्राथमिक उद्देश्य सब्जियां उगाना होता है। कि जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है स्टूडेंट्स ये हमारे भारत में बहुतायत क्षेत्र में मिलती है, ज़्यादातर जो एरिया है इस मिट्टी से ढका हुआ है, और इसी मिट्टी में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं जिससे हमारे देश के लोगों की ज़रूरत पूरी होती है। और जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, वो है जलोढ़ मिट्टी अलग अलग मात्रा में रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपातों से मिलकर बनती है, और इसी वजह से जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी कौन सी होती है, वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। भारत का काफ़ी एरिया इस मिट्टी ने कवर किया हुआ होता है, और जो दूसरी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के बाद बहुतायत रूप में, वो काली मिट्टी होती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिट्टी के क्षरण को किस तरीके से रोका जा सकता है, जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो उत्तर है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करने से ढलानों से पानी के प्रवाह की गति को कम किया जाता है। अब ये समोच्च रेखाएं क्या होती है स्टूडेंट्स, कि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और इन बड़े बड़े खेत को एक लाइंस के अंदर, एक पट्टीदार लाइंस के अंदर काट दिया जाता है, और उसके बीच में बड़ी बड़ी गहरी रेखाएं जो होती है वो खोद दी जाती हैं। तो जब हम उसमें सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, तो जो पानी का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो ये रेखाएं होती हैं ये पानी के प्रवाह को कम करने का काम करती हैं, और इसी वजह से पानी जब नीचे ढलान की तरफ बढ़ता है तो वो कम स्पीड से बढ़ता है, और इसी वजह से मिट्टी इस पानी के साथ बहुत कम मात्रा में बहती है, और इसी वजह से जो मिट्टी का अपरदन होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो पहला जो हम इसके अंदर जो कदम उठा सकते हैं वो तो यही है कि हम समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करें, और जो दूसरा स्टेप है वो है सीढ़ीदार खेती। अब सीढ़ीदार ढलानों पर खेती करने से कटाव कम हो जाता है, क्योंकि जो ढलान होते हैं, ढलान पर जब खेती की जाती है तो उसमें सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, जैसा कि आपने आसाम वगैरह में देखा होगा। तो सीढ़ीदार खेती करने से क्या होता
होता है कि पानी का बहाव यहाँ पर भी कम होता है, कटाव कम हो जाता है और जिसकी वजह से मिट्टी ढलान में नीचे बहकर कम मात्रा में जाती है और मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। और तीसरा जो है पट्टीदार फसल। अब पट्टीदार फसल क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं इसको पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि जैसे आपने एक आयताकार एक आकृति देखी होगी ऐसी आयताकार आकृतियों में खेत को काट दिया जाता है और एक आयताकार आकृति के खेत के बाद जो दूसरी खेत जो पट्टीदार खेत शुरू होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। तो जब इस खेतों में सिंचाई की जाती है तो उसी तरीके से ये जो पानी है वो बहुत कम प्रवाह में नीचे की तरफ जाता है और जिससे कि मिट्टी का इरोजन होने से हम रोक सकते हैं। और जो फोर्थ रीज़न है वो है आर्षे वृक्षारोपण। और ये क्या है, ये है कि पेड़ों को हम पंक्तियों में लगाया जाए, क्योंकि जब पेड़ जो होते हैं वो पंक्तियों में लगाए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं और जब तेज़ बारिश आती है तो तेज़ बारिश की वजह से जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को नीचे से खिसकने नहीं देती, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो कम बहती है। आजकल पहाड़ी क्षेत्र वनों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी लेन्स बनाई जा रही हैं ताकि लोगों का आना जाना सुविधाजनक हो सके, लेकिन इसका एक जो दूसरा नुकसान है वो ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि पहाड़ी एरियों से जिस प्रकार से खेत काटे जा रहे हैं तो इसी वजह से जब भी बारिश आती है तो पूरे के पूरे जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं वो नीचे बह जाते हैं और गारे के रूप में वो नीचे बड़ी बड़ी बस्तियों को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं ये पेड़ मिट्टी को रोकने का काम करते हैं। तो जो सारे ही रीज़न है ये सारे रीज़न हमें यही बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है जैविक संसाधन के बारे में पहले हम बात करेंगे कि ये संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से प्रदान किए जाते हैं और यही जो है जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, क्योंकि इन संसाधन के अंदर जीवन पाया जाता है, ये सांस लेते हैं और हमारी तरह वो खाना खाते हैं, तो इसी को बोलेंगे जैविक संसाधन। और इसके जो एग्जाम्पल हैं आपको दिए, अब बात करेंगे अजैविक संसाधन के बारे में। तो अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं कि जो सभी वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं वो अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, खनिज और मिट्टी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अजैविक संसाधन हैं जो कि हमें इसी नेचर से प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि जैविक और अजैविक संसाधन की छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ। तो मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में। टिल देन की वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।